रुपए का आशीर्वाद। कशिश राठौर, हमारे संजय राठौर भैया की ओर से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जो हमारी भतीजी है जिसका नाम है कशिश, सब कुछ वही है, करता धरता है। इस चैनल की बहुत बहुत धन्यवाद है इसका, और के एस पर भी धन्यवाद है। कौन सा पहले तर्ज सुनिएगा, हाँ। क्योंकि ये मेरा सौभाग्य हुआ कि दो दो चैनलों पे गाने का अवसर हमें मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला गीत मैं प्रस्तुत कर रही हूँ आप लोगों के बीच में, एक गीत आया। कौन सा? अरे यही तो दिल लगाने का, तुम प्यार करो कि फिर किरार करो, किसी से तुम प्यार करो कि फिर किरार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। आइए भैया जी, गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, निवेदन है आप लोगों से, ये गीत खास तौर पर लखनऊ वालों के लिए मैं लाई हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, निवेदन है, सुनते रहना भैया, क्योंकि चंद पंक्तियां बोल रही हूँ, सुनिएगा, सुनिए। समय समय की बात है, समय हो समय हो तो बलवान, हाँ। और आप लोग जानते हैं ये समय न किसी का हुआ है, हाँ। और न किसी का होगा, रुकेगा नहीं, समय कभी रुकता नहीं है, बस इसीलिए कहना पड़ा आदरणीय भैया जी कि समय का सम्मान करो, बदल जाए, हाँ। इसीलिए कहना है दत्ता जी, समय का सम्मान करो, समय का अनुमान करो, क्यों? ऐसे नहीं मैं कह रही हूं, उसका कारण मिलता है, हाँ। अरे समय का सम्मान करो, समय का अनुमान करो, क्यों क्यों? समय सर्वदा ना एक समान होता, सम्मान करो, समय का अनुमान करो, समय ही बलिदान हो जाए, समय ही बलिदान हो जाए, समय बलिदान हो जाए, समय बलिदान हो जाए, समय बलिदान हो जाए, समय बलिदान हो जाए। अब देखिए समय की बात मैं ले रही हूँ, हाँ। सुनने वाले भैया दत्ता लोग बैठे हैं, आदरणीय रंजीत भैया गीत को सुनिएगा, हाँ। अब कैसे समय की बात है, हाँ। जो सबको देते हैं, हाँ। भैया जो सबको खे...
खिलाते हैं, जो सबको बनाते हैं, आज स्वयं परेशान होकर दर दर घूम रहे हैं। टाइम की बात है, समय कैसे सुनेगा। जिस समय विभीषण ने राम जी से, जिस समय युद्ध हुआ रावण का और भगवान राम का, रावण की तरफ से हाँ एक योद्धा आया भगवान राम के सामने। ये खास बात है, उसके पूरे शरीर पर राम राम लिखा है। राम राम लिखा है, भगवान राम भ्रमित हो गए। अरे ये कैसा योद्धा है जिसके शरीर पर मेरा ही नाम लिखा है। विभीषण की ओर देखा, इशारा कर दिया, प्रभु मार दो। तुरंत प्रभु मार दो, इसको छोड़ना नहीं। लेकिन जिस समय ऐसा हुआ तो देखिए होता क्या है भैया। अरे समय ये किसी का, वाह बेटा वाह। ये जो आशीर्वाद है बाद में दूंगी, हाँ बाद में, क्योंकि गीत समझ में आ जाएगा सभी लोगों को। सुनेगा जी, बोल दूं? हाँ। अच्छा अच्छा, ये शानदार जवाबी कीर्तन दिनांक 10 फरवरी दिन सोमवार, हाँ, स्थान है श्री दुर्गेश्वर धाम मंदिर गिंदन खेड़ा निकट अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ, जिसमें ये पार्टी तो नहीं है, लेकिन पार्टी कौन सी हम बता रहे। अगर होगी तो हम आ जाएंगे, हम उसी सीधे प्लेन से आ जाएंगे। जिसमें हमारे कानपुर की शान, कानपुर की शान है हमारे लिए, हमारे बड़े भैया आदरणीय शमानी पूजनी प्रातस्मणी श्री लालमन चंचल जी, और दूसरी पार्टी भी हमारी छोटी बहन, उस पर भी मुझे अभिमान है, हाँ गर्व, श्रीमती कल्पना दुबे जी। ये दो योद्धा हैं, एक तरफ आयोजन है राजू यादव भैया गिंदन खेड़ा और देशराज शनी भैया, निवेदन है ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच भैया श्री पप्पू शर्मा भैया, राकेश वर्मा भैया, अजीत शनी एवं इस परिवार के सभी सदस्य, सभी लोगों की ओर से ये आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार है। ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच भैया श्री पप्पू शर्मा भैया, राजू यादव भैया गिंदन खेड़ा, देशराज शनी भैया, छोटे लाल भैया, ओमी भैया, राकेश वर्मा भैया, सभी लोगों की ओर से ये 501 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दें, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये अच्छा 501 रुपए हमारे लिए और 101 रुपए हमारे साथ जो ढोलक पर संगत कर रहे हैं शेरू, नहीं 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 बब्बन बब्बन, हमारे भैया के लिए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक पर्चा है, इसी में खर्चा जुड़ा है, हम बोल देंगे आगे। आइए देखिएगा, जिस समय भगवान राम उस तरुणी सेन को मारने के लिए चले, तो देखिए विभीषण ने तो कह दिया प्रभु मार दीजिए, बिल्कुल, लेकिन होता क्या है सुनिएगा। कहने लगे विभीषण, हर समय ये किसी का सहोदर नहीं है, समय अनुकूल ये प्रतिकूल हो जाता। एक एक पंक्ति सुनेगा कैसे, जियो मिली सर, अरे इसे प्रभु मारिए, तुरंत मार दो, इसको तुरंत मार दीजिए, हाँ किंचित विचारी है नहीं, हाँ मारो तुरंत, अरे इसे प्रभु मारिए, न किंचित विचारिए, समय देखो शूलिए तो फूल हो जाए, Yeah!
सम्मान करो, समय का अनुमान करो, समय ही वरदान हो जाए, समय ही वरदान हो जाए, भैया जी भगवान कन्हैया लाल कह रहे हैं। हाँ, कहने दो। किससे? धनंजय से। हाँ, सुनो बेटा, बता देना धनंजय को। अरे बोले कन्हैया, अरे सुन लो धनंजय, आज समय की, अरे आज समय की चाल तुम पहचानो। क्यों क्यों? धर्म अधर्म छोड़ दो तो समय के माया के जाल को जानो, जाल को जानो, जाल को जानो। समय ना हमेशा शक्तिमान होता है, इसीलिए समय का सम्मान करो, समय का अनुमान करो, समय ही वरदान होता है, समय ही बलिदान हो जाए, समय बलिदान हो जाए, समय बलिदान हो जाए, समय बलिदान हो जाए, समय बलिदान हो जाए। तीसरी बात सुनेगा, चंद्र वरदाय जी पृथ्वीराज चौहान से कह रहे हैं। हाँ, और क्या कह रहे हैं? क्या? बहुत जल्दी में सुनिएगा भैया जी। बिल्कुल। अरे सीखो समय का, अरे सदुपयोग करना। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये समय किसी का हुआ नहीं है ना भाई। पल में राजा बन जाता है, पल में रंक बन जाता है, समय की मार होती है। बिल्कुल। सुनिएगा कैसे कैसे। अरे सीखो समय का सदुपयोग करना, कहता समय श्रीमान ना चूको, श्रीमान ना चूको। आ रही है, आप लोग बहुत समझदार हैं, क्योंकि समय है और ये समय मुझे भी दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए बस आप लोग भी ना चूको। हाँ, और हम भी ना चूके। हाँ हाँ, बिल्कुल। कैसे? समय समय की समझे न समझे, अरे पृथ्वी राज ए चौहान ना चूको, क्योंकि राजा ने। हाँ, समय ना पुरोहित ना, ये बात बहुत सुंदर। समय पुरोहित माँ जजमान होता है। आपकी तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, इसीलिए कहना है समय ना पुरोहित ना जजमान होता है, समय का सम्मान करो, समय का अनुमान करो, समय ही वरदान हो जाए, समय ही बलिदान हो जाए, समय 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 ही बलिदान हो जाए, समय ही वरदान हो जाए, समय ही वरदान हो जाए, और समय ही बलिदान हो जाए। बोलिए सच्चे दरबार की। वाकई में ये समय ना किसी का हुआ है ना होगा, कोई जानता नहीं था कि मरे बुआ पांडे जी जयकरण भैया लोग किस समय में निकले, और वो समय कैसा था कि लौट कर वो अपने घर नहीं आए। इसलिए ये समय किसी का नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके सहयोग के लिए। और ये आदरणीय सम्मानीय हमारे दादा श्री सुरेंद्र हलवाई जी, वीरेंद्र, अच्छा अच्छा
चर्चा में जाते हैं। आदरणीय मेरे दादा श्री वीरेंद्र भैया जी, आपकी ओर से ये 100 रुपए का हमारे लिए आशीर्वाद और 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे समरजीत भैया जी के लिए आए हैं। एक बार जोरदार ताली हमारे दादा जी के लिए आप लोग लगा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, प्रयागराज की बात चल रही है, चंद पंक्तियां सुनेगा माता भगवती गंगा जी के लिए। सुनिए, आदरणीय कनौजिया दादा जी और आदरणीय सभासद जी पंक्तियां सुनेगा। अरे कि खुद तो करे पान और फूल पर गुजारा दादा, कि खुद तो करे पान और फूल पर गुजारा, पर अपने भक्तों को पेट भर भोजन वो कराती है। खुद तो करे पान और फूल पर गुजारा, पर अपने भक्तों को पेट भर भोजन कराती है। और खुद तो खुद तो रहे उदास, लेकिन अपने बच्चों को हंसाती और हंसाती रहती है। दो बूंद भी अगर कंठ में पड़ जाए, दो बूंद भी अगर कंठ में पड़ जाए, तो यही दो बूंद बैकुंठ को भिजवाती है। और आदरणीय बड़े भैया, ऐसी महतारी कहां मिलेगी जग में? आदरणीय बहन जी, ऐसी महतारी कहां मिलेगी जग में जो मरने के बाद भी अपने गोदी में सुलाती है। धन्यवाद है, प्रेम बोलो गंगा महारानी की। तो आइए सुनेगा गीत बजा। अरे कि मोहब्बत का गम है, सम्मानी हमारे कल्लू भैया जी की तरफ से, सभासद जी आपकी तरफ से, हमारे नाल पर संगत कर रहे गुड्डू भैया के लिए 51 पत्र बताए। भैया को हृदय से प्रणाम है और सुनिएगा। सुने, मोहब्बत का गम है, मिले जितना कम है, ये तो अदाए वही जान पाता है। है बड़ी खतरनाक चीज है, किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर और ये बहुत ही बहुमूल्य आशीर्वाद हमारे परम आदरणीय सम्मानी प्रेरणा स्रोत जो देश की सेवा कर रहे हैं, सबसे खुशी की बात तो ये है। और मैं कह सकता हूँ कि देश की भी सेवा कर रहे हैं और धर्म की भी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आदरणीय बड़े भैया ये कीर्तन भी एक धर्म है। हम लोग अपने सनातन धर्म को इस कीर्तन के माध्यम से जितना भी हो सकता है हम
प्रत्यक्ष कलाकार लेकर के चलते हैं और सबसे बड़े महान आप लोग होते हैं जो इन धार्मिक कार्यक्रमों को करवाने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। भैया आजकल तो सिर्फ एक चीज होता है, ऑर्केस्ट्रा करवा ले। और ये हमारे परमादरणीय सम्मानी कुलदीप पांडे भैया जी, फौजी जी, आपकी तरफ से 501 पत्र मुद्राएं हमारे लिए और सभी के लिए 51 पत्र मुद्राएं। भैया को सादर प्रणाम, चरण वंदन है, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आप सभी लोग, जोरदार तालियां। और ये एक सूचना है, शानदार जवाबी कीर्तन 21-2-2020 जिसमें पार्टी है सम्मानित श्री शेखर कोमल जी लखीमपुर से और दूसरी पार्टी के रूप में परम आदरणीय सम्मानी गुरुदेव श्री महेंद्र पांडे जी कुंडा प्रतापगढ़। क्या बात है, और स्थान है दयानिधान पार्क लाल बाग लखनऊ, आयोजक सम्मानित श्री महेंद्र शुक्ला जी, आदरणीय दादाजी के निवास स्थान पे होना है मनोहर आजाद जी। बहुत ही सुंदर सा कार्यक्रम होगा, इसके लिए 201 पत्र मुद्राओं के साथ ये सूचना है, जरूर पहुंचे कार्यक्रम में। संभवतः अब कहाँ आ पाएंगे चूंकि वो इसी डेट है। तो सुनिए, किसी से तुम प्यार करो तो फिर किसे हार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। बहुत ही सुंदर बात आपकी तरफ से आई है, आपकी पंक्ति कह रही है कि समय का सम्मान करो और समय का अनुमान करो, समय वरदान हो जाए, समय बलिदान हो जाए। निवेदन करूंगा, अगर जवाब की पंक्ति पसंद आए तब आशीर्वाद दीजिएगा। और मैं समय से बात ला सकता था क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। आज प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होना है और समय ने ऐसी करवट बतली कि कल वनवास हो गया। तो समय तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन सुनिएगा अपनी तरफ से प्रयास, सुनिए क्या बात। कि कर्मों के योग से जवाब की पंक्तियां सुनेगा बड़े भैया, सुनिए। कर्मों के योग से और कर्मों के भोग से, कर्म से समय ये अनुकूल होते हैं, समय भी वक्त भी बदल जाता है अगर आपका कर्म अच्छा है तो। अब अगर समय बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन कर्म आपने गड़बड़ कर दिया तो उस समय को बदलने में देरी नहीं लगती है, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल। तो सुनिएगा, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मूर्छित हुए रावण से कहा, कहा दशानन, रावण ने कहा प्रभु मैंने ये सब जो आपसे लड़ाई और रार ठाना ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए। बड़े भैया आदमी जब कहा कि मैंने मुक्ति के लिए ये सब किया तो प्रभु श्री राम ने कहा कि पगले अगर मुक्ति ही चाहता तो मेरी शरण में आ जाता, आखिर तूने गलत कर्म करके अपनी मुक्ति चाही। तो भगवान भोलेनाथ का भक्त है, चाहता तो भगवान भोलेनाथ से मुक्ति मिल जाती। और जिन भोलेनाथ ने सिर्फ सती जी के एक बाणी झूठ बोलने से उनको त्याग दिया था, तू उनका भक्त होकर के सीता हरण करके मुक्ति पाना चाहता है। तो कहा प्रभु श्री राम ने, कर्मों के योग से और कर्मों के भोग से, कर्म से समय ये अनुकूल होते हैं।
बुरे कर्म का है बुरा ये नतीजा, परिणाम दुष्कर्मों के प्रतिकूल होते हैं। आदम कन्हैया जी, कर्म से ही माना तो महान होता है। वैसे धन्यवाद है आपके तालियों के, लेकिन अगर आदरणीय दादा, कर्म ही एक ऐसा होता है जो व्यक्ति की पहचान बनाता है। कहा गया है इसी वाणी से आप हार पहन लो, और इसी वाणी से ही आप समझ सकते हैं। समझिए, और सम्मानित श्री बजरंगी जी 21 पत्र मुद्राएं। हृदय से धन्यवाद है आदरणीय को, और इस पंक्तियों पर कर्म पर सम्मानी श्री लल्ला बाबा जी की तरफ से ये 121 पत्र मुद्राएं आदरणीय आपको हृदय से नमन वंदन है। सुनेगा सुनिए, कर्म से ही माना तो महान होता है। भैया आदरणीय भैया, कर्म का उपयोग करो। अगर ईश्वर ने आपको उस लायक बना दिया है तो कर्म का उपयोग करो, अकर्मों का ही प्रयोग करो, क्योंकि कर्म ही प्रधान होता है। ये मैं नहीं, ये बाबा तुलसीदास महाराज ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो कहना हुआ क्या? तो कर्म ही प्रधान होता है, अकर्म ही महान होता है। कर्म ही प्रधान होता है, क्योंकि तीन बातें आपने लाई थी, मैं जल्दी में पढ़ रहा हूं दादा। महाभारत का युद्ध बिल्कुल होने की स्थिति में था, अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया, और जब रख दिया, जब अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया तो कन्हैया ने कहा, अर्जुन जैसी है करनी वैसी है भरनी, अच्छे बुरे कर्मों की पहचान होती है। कहा ये मत देखो कि तुम्हारे सामने पितामह हैं, ये देखो कि उनका कर्म कैसा, वो किसका साथ दे रहे हैं। जैसी है करनी वैसी है भरनी, अच्छे बुरे कर्मों की पहचान होती है। कर्मों का हिसाब ये हर किसी का लिखा है, कर्म से ही मानव की पहचान होती है। ये आदरणीय हमारे नाम बता दे भैया, क्या बात है। आदरणीय दादा श्री पप्पू शर्मा जी हिलौली, 101 पत्र मुद्राएं हमारे रचनाकार सतीश भैया के लिए। मैं चाहता हूं आप खड़े हो जाएं और 400 वापस कर देना ईमानदारी से। भाई साहब जोरदार तालियों से स्वागत कर देंगे। ये है कलम के जादूगर। सम्मानित दादा श्री कल्लू भैया और ठाकुर साहब जी की तरफ से ये 51 पत्र मुद्राएं आप आदरणीय दोनों महान विभूतियों को हृदय से नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनेगा सुने, कर्मों का हिसाब ये हर किसी का लिखा है, और कर्मों से ही मानव की पहचान होती है। अब देखिएगा, मैं इसी एक पंक्ति में कलयुग भी ला रहा हूं। समझो, कर्मों से साधु भी शैतान होता है। क्या बात, आपने मोहर लगा दी। हृदय से धन्यवाद है, क्योंकि आसाराम ने अगर अपने नाम, सिर्फ अपने नाम का महत्व जान लिया होता आदरणीय बड़े भैया, तो आज जेल में ना होते। वही हाल है कि मुंह में राम बगल में चोरी, सीताराम ये लटकाए हैं, क्या कहा जाए इनको। तो सुनिएगा सुनिए, कर्म से ही साधु भी शैतान होता है। कर्म का उपयोग करो। आदरणीय दादा,
कर्म का ही प्रयोग करो, कर्म ही प्रधान होता है, कर्म ही महान होता है, कर्म ही प्रधान होता भारत माता की। धन्यवाद है, ये था अपनी तरफ से यथासंभव।